केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की ओर से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए बयान के बाद आज मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री के आवास की तरफ बढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से आज अहमदनगर नर्मदा वाटर सप्लाई पंप हाउस का उद्घाटन किया और भोपाल नगर निगम की ओर से नई बसों का शुभारंभ करते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तर प्रदेश के दौरे से पहले आज गोरखपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। नागपुर में मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की हैंडिंग ओवर सेरेमनी में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, आत्मनिर्भरता की दिशा में ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा, रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट जारी किया है। ये नीति 2025 तक लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया, प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान कल से फिर से शुरू होगा। प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान 2 दिनों तक चलेगा। सीएम ने बताया, कल वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई जाएगी और परसों वैक्सीन की केवल दूसरी डोज लगाई जाएगी। झांसी में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या के बाद खुद भी जहर खाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आए दिन झगड़ों से तंग आकर पति ने ऐसा कदम उठाया है। झांसी से माय भारत के शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सविता नगर वार्ड में रास्ता नालों में तब्दील हो गया है, जिसके बाद यहां बीमारी का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही इन रास्तों पर गंदा पानी आने की वजह से यहां आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। कानपुर देहात में कक्षा 6 से 8 तक स्कूल खुलने की अनुमति के बाद स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम दिखाई दी। वहीं कॉलेज प्रबंधन को कोविड गाइडलाइंस के अनुसार कक्षाएं संचालन की अनुमति दी गई है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद परिवहन विभाग में सेवा प्रबंधकन ने रोडवेज बस डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खराब बसों को ठीक करने और परिसर में साफ सफाई रखने का निर्देश दिया। मंगलौर के नारसन खंड विकास अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों से मिलने के लिए फरियादियों को रोजाना 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां अधिकारी कभी समय पर नहीं आते, जिससे फरियादियों को रोजाना घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। मंगलौर से मैं भारत के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। काशीपुर में अवैध खनन की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद एसडीएम ने अवैध खनन पर संज्ञान लेते हुए आप नेता द्वारा कराए जा रहे अवैध खनन पर प्रशासन ने चाबुक चला दिया है और अवैध रूप से निकाले गए उपखनिज की पैमाइश कर करीब 3.5 लाख की पेनल्टी लगाई है। काशीपुर से मैं भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। मंगलौर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। डेंगू से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में डेंगू होने की संभावना बनी रहती है। मंगलौर से माय भारत के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें माय भारत न्यूज़।